डर और गुस्सा तुम्हें बदल देंगे। इन दोनों चीजों से तो हर औरत का रूप बदल जाता है। तो ठीक है, यही किया जाए। नहीं हो सकता आप अभी भी कंट्रोल में हो, ज्यादा गुस्सा तो महसूस नहीं हो रहा। नहीं, मामूली सा गुस्सा आ रहा है मुझे। सोते वक्त ना तुम फिर से जेन के रूप में आ जाती हो, पता? ये भोपू बजाना जरूरी था, थोड़ी सी कॉमेडी भी तो चाहिए ना। सुना, सुना, थोड़ी देर टाइम बिताएगी क्या? हमें तो बस दोस्ती करनी है। कहाँ जा रही है? पर ये वाली ड्रेस मेरी फेवरेट है। जेन, जूते। अरे हाँ, थैंक यू। खेत की मूली हो? जेनिफर वॉल्टर्स, अटर्नी। मेरा इनहिबिटर, मुझसे दूर हो जा। जेन खून दे रहा है, खून दे रहा है। हाँ बिल्कुल ब्रूस, मैं तो गुस्सा काबू करने में एक्सपर्ट हूँ। हर वक्त तो यही करती हूँ, मतलब जब मुझे कोई रास्ते में छेड़ता है या फिर कोई मर्द मुझे वो समझाने की कोशिश करता है जिसमें मैं माहिर हूँ, तो कई मौके आते हैं। क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करूँ तो फिर लोग कहेंगे कि ये सनकी है, ये जज्बाती है, और पता नहीं शायद गुस्से में मेरा खून कर दें। तो गुस्सा काबू करने में तो मैं एक एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि मैं ये तुमसे अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। और तुम मुझे इस तरह गुस्सा दिलाने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि देखा नहीं, मैंने ये जानबूझकर किया। ओके, वैसे ये मेरे लिए भी नई चीज है। चलो तो मुझे ए ग्रेड मिल गया है। लव यू ब्रूस। तुम्हारी थेरेपी वेरेपी गई भार में, समझे? चल भूमि, अग्नि, वायु, बहुत साल पहले चारों राष्ट्र आपस में शांति से रहते थे। फिर सब कुछ बदल गया जब अग्नि देश ने युद्ध छेड़ दी। केवल अवतार चारों तत्वों का ज्ञाता ही उन्हें रोक सकता था, लेकिन जब दुनिया को उसकी जरूरत थी तभी वो गुम हो गया। 100 साल बाद मैंने और मेरे भाई ने एक नया अवतार ढूंढ निकाला, एंग नाम का एक एयरबेंडर। हालांकि उसकी वायु सिद्धियां अद्भुत थी, फिर भी उसे जानना था कि उस पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। पर मुझे विश्वास है कि एंग दुनिया को बचा सकता है।